जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने अभी ज्ञापन दिया गया है यहाँ पर, और आइए मालूम करते हैं किस बात के लिए ज्ञापन दिया गया है। कई दुकानें अवैध रूप से संचालित, मीट की दुकानें शहर के मुख्य चौराहे पे, जैसे अंदर सिटी में घुसते हैं, यहाँ जामा मस्जिद के सामने और संतोष जी माता जी के मंदिर के सामने मीट की अवैध दुकानें संचालित है। इस मामले में पूर्व ATM साहब ने इनको बंद कराने का आदेश फरमा चुका है। उस आदेश की पालना हाईकोर्ट वगैरह में अपील गई तो उन्होंने, हाईकोर्ट ने भी इनको अवैध दुकानों को संचालित हटाने के लिए आदेश दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उस मामले में हम सब समाज के लोग मीट की जो अवैध दुकान संचालित है उसमें नगर परिषद में भी ज्ञापन दे चुके हैं और तुरंत कार्रवाई चाहते हैं कि भाई ये जल्दी से जल्दी इन ऐसे अवैध चली हुई दुकानें उनको बंद कराई जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया, जिला कलेक्टर साहब को इसको ज्ञापन दिया गया है। आज हम विश्व हिंदू परिषद भजन दल के कार्यकर्ता 2014 में जो हाईकोर्ट का आदेश है सावनी के रोड पर जो मीट की दुकानें बंद करने का आदेश 2014 में आया था, उस आदेश की अवहेलना गंगापुर सिटी के अंदर हो रही है। उस अवहेलना के लिए विश्व हिंदू परिषद आए दिन ज्ञापन देता है, प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम आज कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन देने आए हैं और हम अवगत कराने आए हैं इस जामा मस्जिद से लेके और जो गंगापुर सिटी के अंदर अवैध बिगड़ लाइसेंस की मीट की दुकानें और ठेले और होटलें चल रही हैं, इनको तुरंत कार्रवाई की बंद की जाए, इसलिए नहीं तो आगे हम आंदोलन करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। जय श्री राम। भारत माता की।